हाय फ्रेंड्स, क्या इससे पहले आपने इस तरह से बैंगन ट्राई किए हैं? अगर नहीं तो इसे ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। तो रेसिपी जोन में आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये आलू और बैंगन की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से इसकी रेसिपी को करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले तो हमें इसका मसाला प्रिपेयर करना है, जिसके लिए यहाँ पे लिया है मैंने एक मिक्सी का जार और मेजरिंग कप से नाप कर हाफ कप इतना मैंने डाला है इसमें ड्राई कोकोनट, जो कि मैंने ग्रेट करके लिया है और हल्का सा उसे रोस्ट कर लिया है। और इसी के साथ मैं इसमें दो बड़े लहसुन की कलियाँ सारी छील कर डाल देती हूँ। और इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं एक मुट्ठी इतना हरा धनिया। सबसे पहले तो हमें इतने ही मसाले पहले पीस लेने हैं, लेकिन इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ऐसे ही मसाला पीसना है। और अब इसी मिक्सी के जार में हाफ कप इतनी मूंगफली जो है वो मैं डाल देती हूँ। ये मूंगफली मैंने हल्की सी रोस्ट कर ली थी और इसका छिलका निकाल लिया था। और इसी के साथ हमें इसमें कुछ ड्राई मसाले डालने हैं, जिसमें एक चम्मच इतना डाला है मैंने रेड चिली पाउडर, साथ ही में मैंने आधा छोटा चम्मच इतना डाला है हल्दी पाउडर। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, जो कि एक बड़ा चम्मच भर के डाला है मैंने, और जायके के हिसाब से डाला है नमक, मसाले के इतना नमक मैंने इसमें डाला है। और अभी हमें इसे फिर से पीसना है, पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमने ये मसाला पीस लिया है। ये मसाला हल्का सा दरदरा ही रखना है हमें। तो यहाँ पे लिए है मैंने बैंगन, बैंगन को मैंने इस तरह से कट लगा लिए हैं, ये देखिए इस तरह से हमें कट लगाने हैं। और इसे मैंने रख लिया था पानी में ताकि ये काले ना गिरे। और अब इसके अंदर हम इस तरह से ये बैंगन के अंदर मसाला जो है वो अच्छे से भर लेंगे। अच्छे से दबा दबा के हमें ये बैंगन के अंदर मसाला भर लेना है। ये सब्ज़ी मैं 4 से 5 लोगों के लिए बना रही हूँ। सारे बैंगन के अंदर ये मसाला भरकर हो चुका है और बचा हुआ जो ये मसाला है इसका यूज़ हम सब्ज़ी बनाते वक्त इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये सब्ज़ी बनाने के लिए गैस पर रख लिया है मैंने एक प्रेशर कुकर, क्योंकि आज हम प्रेशर कुकर में ही बनाएंगे। और इसमें मैं 2 टेबलस्पून इतना डाल देती हूँ ऑयल। ऑयल के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद 4 छोटे पीस डाले हैं मैंने दालचीनी के, और 4 ही मैंने डाले हैं इसमें लौंग। हल्का सा इसे हम फ्राई करेंगे। और इसी के साथ हमें इसमें डालने हैं तेज पत्ते। तो तेज पत्ते 2 पीस लिए थे मैंने, जिसे मैंने इस तरह से तोड़ लिया है, और ये भी इसमें डाल देते हैं। बस 1 मिनट के लिए इन मसालों को हम इसमें तेल में फ्राई करेंगे। और 2 बड़े साइज़ की ली थी मैंने प्याज, जिसे मैंने चॉपर में इस तरह से महीन सा कट कर लिया है। और ये सारी प्याज जो है इसमें डाल देते हैं। इस प्याज को अच्छे से सुनहरा कलर आने तक ये हमें भून लेना है। 5 से 6 मिनट मैंने इसे अच्छे से भून लिया, और आप देख सकते हो प्याज का कलर जो है चेंज हो चुका है, बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आया है प्याज पर। और अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच इतनी लाल मिर्च पाउडर। मसाले में भी हमने लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है, तो उसे याद रखते हुए हम इसमें मिर्ची ऐड करेंगे। आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। और जो हमने मसाला बचा कर रखा था वो सारा इसमें डाल देते हैं। और इस मसाले को भी बस 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हम इसमें भून लेंगे। 2 से 3 मिनट ये मसाले अच्छे से हमने भून कर लिए हैं। और अब इसमें हम शामिल करेंगे बैंगन। सारे बैंगन हम इसमें डाल देते हैं, और इन बैंगनों को भी हमें इन मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है, यानी कि भूनना है। तो 2 से 3 मिनट तक के इन बैंगनों पर अच्छे से सुनहरा कलर आता है तब तक के हम इसमें भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हो इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। और अब इस स्टेज पे हम इसमें मिलाएंगे पानी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 ग्लास इतना पानी जो है वो ऐड कर लिया है, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं चाहिए था, थोड़ा ठीक ही चाहिए था, तो इसीलिए मैंने इसमें 1 ग्लास इतना पानी शामिल कर दिया है। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ आलू। ये 2 आलू है जिन्हें मैंने छिलका निकाल लिया था और इस तरह से बड़े पीस में कट कर लिया है। ये सारे आलू इसमें डाल देते हैं। एक बार इसे अच्छे से चला लेते हैं। इस स्टेज पे आप इस ग्रेवी को चख कर इसमें नमक शामिल कर सकते हो, क्योंकि मसाले में भी ऑलरेडी हमने नमक शामिल कर दिया था, तो उसे याद रखते हुए इसमें मैंने और नमक शामिल कर दिया है। और इसे एक बार अच्छे से चला लेते हैं। तो अब इस कुकर को कर लेते हैं इसकी लिड से कवर, और इस कुकर में हल्का सा प्रेशर आने तक का वेट करते हैं। हमें इस कुकर में सीटी नहीं लगानी है, तो इसमें बस हमें प्रेशर आए इतना ही वेट करना है। तो ये देखिए कुछ देर इसे रखने के बाद इसे आप इस तरह से चेक कर सकते हो। कुकर में अच्छे से प्रेशर बन चुका है, तो इस स्टेज पे गैस की फ्लेम कर ली है ऑफ, और इसे मैंने रख लिया इसी के स्टीम में ही।
कुछ देर के बाद जब इसका सारा प्रेशर जो है वो रिलीज़ हो चुका है, तो मैंने इसकी लीड जो है वो हटा ली है। इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे आलू और बैंगन गले या नहीं। अगर ये नहीं गले तो फिर से आप एक बार इसे गैस पर चढ़ा सकते हो, लेकिन ये एकदम परफेक्टली कुक हो चुके हैं, तो मैंने गैस की फ्लेम ऑफ ही रखी है। और इसे गार्निशिंग के लिए डाला है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो रेडी हो चुकी है हमारी ये फटाफट से बनने वाली बैंगन और आलू की सब्ज़ी सर्व करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके फैमिली और फ्रेंड सर्कल में इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।